क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हमीरपुर में नए अधिकारी के ट्रेनिंग के लिए चले जाने पर जिले के बस और ट्रक ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा है। करीब 2 दर्जन से अधिक वाहन ऑपरेटरों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। प्रदेश सरकार के निवर्तमान RTO प्रभात चौधरी का तबादला कर यहां पर SDM सुजानपुर रहे वीरेंद्र शर्मा को RTO हमीरपुर नियुक्त किया गया है। HAS अधिकारी प्रभात चौधरी 2 जुलाई को हमीरपुर से रिलीव हो चुके हैं। उनकी जगह पर वीरेंद्र शर्मा ने ज्वाइन किया है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद से वह कार्यालय से बाहर हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने RTO का तबादला करीब 2 हफ्ते पहले किया था, लेकिन पुराने RTO की रिलीविंग और नए RTO की ज्वाइनिंग में काफी समय लग गया है, जिसके चलते बस और ट्रकों के दूसरी जिले के जाने के लिए मंजूरी प्रमाण पत्र, वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहनों के टैक्स, अन्य वाहनों का पंजीकरण और पुराने वाहनों का नवीनीकरण सर्टिफिकेट आदि के कार्य लटके हुए हैं। वाहन मालिक विजय कुमार, सोनी कपूर, अनूप इत्यादि ने बताया कि RTO के कार्यालय में उपस्थित न होने के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने इस बारे में निदेशक परिवहन विभाग से बात कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। है कि काफी दिनों से ये ट्रांसपोर्ट जो है बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी में कोई भी जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का जो कार्यालय है उसमें कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं। पीछे जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी थे उनकी ट्रांसफर हो गई थी और कुछ लोगों ने कुछ ट्रांसपोर्टरों ने कुछ नेताओं ने उनको ये आश्वासन दिया था कि आपकी ट्रांसफर रद्द हो जाएगी और सुबह इस वजह से वो 15 दिन छुट्टी भी चले गए, परंतु उनका कोई जो स्थानांतरण वो रद्द नहीं हुआ और बाद में दूसरे वो अधिकारी आ गए, वो भी एक दिन कार्यालय में रहे और वो भी छुट्टी चले गए। अब जब कोई वहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं है तो ट्रांसपोर्टों का कोई कार्य नहीं हो रहा है, ना पासिंग सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना कोई RC मिल रही है, ना हमें कोई किस वहाँ बाहर जाने की कोई परमिशन मिल रही है, ना हमें कोई परमिट मिल रहा है। जब हमारे पास ये कागजात नहीं होंगे तो हम गाड़ी को रोड पर कैसे चलाएंगे? हम बहुत ही समस्या से जूझ रहे हैं, हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिन 2 बसें जो हैं वो वैष्णो देवी के लिए गई थी, परंतु उनके पास जो वैध जो है वो परमिशन नहीं थी, उनको पठानकोट में घेर दिया गया और वहाँ से उन गाड़ी को वापस भेज दिया। इसलिए हम DC महोदय से आज मिले कि वहाँ पर किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाए ताकि हमारा जो काम जो है ट्रांसपोर्टर का सुचारू ढंग से हो, वहाँ पर किसी अधिकारी को नियुक्त करेंगे ताकि ये ट्रांसपोर्टर का काम जो है रुके नहीं। कि हमारे 70 रुपये के लगभग डीजल पहुंचने वाला है, लाखों रुपए हमने बैंकों से कर्जे ले रखा है, कितनी अपना वहां पर किस्त हमें देने पड़ रही है। जब हमारी गाड़ी रोड पर नहीं चलेगी बिना कागजात के तो हम बैंकों की किस्त कहां से भरेंगे? आश्वासन जो है मिला है उसके ऊपर हम 1-2 दिन संतुष्टि करेंगे, नहीं होता अगला कार्यवाही करेंगे।